मेरी शुभकामनाएं हैं, चूँकि राज जी और शमीम जी बहुत ही पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं और हमने काम किया है, और जब कोई जानने वाला तरक्की करता है तो बहुत खुशी होती है। और राज जी पहले से ही चाहते थे कि उनका स्टूडियो हो, और शमीम जी और राज जी ने जब स्टूडियो के बारे में मुझे बताया, सीरियसली मुझे बड़ी खुशी हुई। और साथ ही साथ उन्होंने एक नई बात बताई, मुझे मेरे लिए भी सरप्राइज था कि हम फिल्म शुरू कर रहे हैं और फिल्म का टाइटल ये है, और पोस्टर भेजा तो काफ़ी प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैंने सर को या राज सेन जी को या शमीम जी को बहुत 10-12 साल से आई थिंक हम लोग जानते हैं और काफ़ी मेहनत करते देखा है, और आज उन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है। अरे किरदार IPS दुबे हूँ मैं, और क्या, पुलिस वाली हूँ, मार धाड़ करूँगी मैं, और थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा। हाँ, और आई थिंक रोमांस थोड़ा अलग होगा इस बार, क्योंकि हीरो सिर्फ रोमांटिक मोड में नज़र नहीं आएगा इसमें, वो भी कुछ और करने वाला है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि हमेशा से मैंने एक्शन की फिल्में की हैं और बहुत टाइम से थोड़ा ब्रेक लगा रखा था, बट शमीम जी ने कहा कि नहीं, अभी फिर एक बार एक्शन करते हैं, और आई एम एक्साइटेड। फिल्म की शूटिंग की बात की जाए कि कहाँ होगी, किस, अभी सब 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 एकदम सीक्रेट है, अभी कुछ भी पता नहीं है, और जैसे जैसे अपडेट आएंगी तो डेफिनेटली अपडेट्स मिलेंगे आप लोगों को। सब कुछ तो आपने पूछ ही लिया, फिल्म की स्टोरी पूछ ही लिया, एक्शन पूछ ही लिया, रोमांस पूछ ही लिया, काफ़ी अलग कुछ मिलेगा इस फिल्म में, और नो डाउट मैं तो इनको दबंग बोलता ही हूँ। और हम दोनों पहली बार आ रहे हैं तो ये वाकई में डिफरेंट होने वाला है। हाँ, काफ़ी दिन से जानते हैं पर एज अ पेयर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और भोजपुरी में कोई हीरोइन अगर हीरो है तो वो सिर्फ एक यही है, और मैं इनको पर्सनली बोलता हूँ, तो वही एक्शन के साथ साथ इनका जो रोमांस मिलेगा काफ़ी अलग मिलेगा इस बार, और काफ़ी मज़ा आएगा ऑडियंस को हमारे। और कुछ? हाँ, स्टूडियो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं राज सेन सर को और शमीम सर को, काफ़ी खास है हमारे लिए, काफ़ी अच्छे मित्र हैं मेरे और काफ़ी पुरानी पहचान है, मैंने दोनों लोगों के साथ एक फिल्म पहले भी की है, दिल दिया है जान भी देंगे, और काफ़ी अच्छी म्यूजिक थी उसकी, दीपा मैम ने और उदित सर ने गाने गाए थे, और काफ़ी अच्छी फिल्म गई भी वो गोरखपुर में, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिलीज़ किया और मज़ा आया। ये दूसरी फिल्म मैं सर के साथ करने जा रहा हूँ, और प्राउड फील होता है कि अगर कोई मेकर बार बार रिपीट करता है तो मज़ा आएगा मुझे IPS दुबे करने में। IPS दुबे डायरेक्टर काफ़ी टाइम के बाद पिक्चर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद नहीं कर रहे, जब हमारी लास्ट फिल्म जो रिलीज़ हुई थी 2019 में ही हुई थी, 2019 हुई थी, और 20 आपको लॉकडाउन में ही चला गया, फिर 21 में हम लोग फिल्म कर रहे हैं, तो अगर एक डायरेक्टर साल में कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं फिल्म तो बहुत दिन बाद नहीं बोलूँगा मैं। 18 में हमने शूट किया था, 2018 में दिल दिया है जान भी देंगे, 19 में रिलीज़ किया, 20 में इंडस्ट्री में सबका वही हाल है, और 21 में फिर वी आर विथ न्यू मूवी। सो सर को ढेर सारी शुभकामनाएं, आदित्य के साथ मैंने एक सॉन्ग किया था जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और लोगों ने पसंद किया उस गाने को, और बहुत टाइम से प्लान चल रहा था कि हम लोग फिल्म करेंगे साथ में, बट हो नहीं पा रहा था, अनफॉर्चुनेटली शमीम जी ने ये मौका दिया, और मैं एक्साइटेड हूँ, जब अच्छा एक्टर साथ में होता है तो हमारा भी एक नया टैलेंट निकल के बाहर आता है। अरे दुबे हो या दुबाइन हो, है तो दुबे तो है ही ना, दुबे दुबाइन, दुबे दुबाइन, ऐसे भी रानी जी के साथ जितने हीरो आए हीरोइन ही बन के आए। नहीं 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 लेकिन इसमें हीरो दुबे जी हो जाएगा फिल्मों में, दुबे जी हो जाएगा। दीपा जी एंजॉय कर रही है हम लोग के आंसर्स एक्चुअली। जरूर मैं कहना चाहूंगी कि कलर वर्ल्ड स्टूडियो आज ओपनिंग होने जा रहा है, उसके लिए मुझे राज सेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन्स, शमीम जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स, ऑल द स्टाफ एवरीबॉडी, प्रोड्यूसर एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, अच्छा चले।